कदम बढ़ाते रहें, ये विलासा और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। भैया मामा सल्ले ने जवाब दिया कि मैं अब कृष्ण की बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन जरूर जो भी होगा देखूंगा, रथ हांकने के लिए तैयार हूं। बोले ठीक है। महाराज कर्ण ने प्रतिज्ञा की है कि मैं वादा करता हूं कल सूर्यास्त से पहले अर्जुन को मार दूंगा। अब भक्त पे अगर संकट होवे तो भगवान को नींद आ सकते। रात के 12 बजे कन्हैया पांडवन के जो लगे हैं वो तंबू उनके सामने चारों तरफ घूम रहे, कृष्ण अकुलाए रहे हैं कि पता ना है अर्जुन की मौत कब आ जाए। सो अर्जुन रात्रि के 12 बजे पहुंचे। क्या बात है प्रभु, आप आराम नहीं करेंगे? भगवान बोले आराम की पड़ी है, कल तुम्हारी मौत निश्चित कर दी है कर्ण ने। जवाब दिया आप मौत की बात करते हैं, आप मौत की बात मत करिए। आप जहां हैं और आपके भक्त को मौत आ जाए ये बहुत बड़ी बात है, और फिर अगर हमें मौत आ भी रही तो आप ढाल बन के खड़े हैं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। माधव मुझे सोने दो। अर्जुन चले गए। रात्रि के 12 बजे कन्हैया बुआ कुंती के पास पहुंचे। बुआ बोलिए। बोली आपसे कुछ कहना है, कहिए। बुआ आप हमारा एक काम कर दो। अरे एक नहीं दो करूंगी, रात्रि के 12 बजे कौन से काम की जरूरत पड़ गई। बुआ जो आप कर्ण के पास चली जाओ और जो परशुराम जी के दिए हुए 5 बाण हैं वो आप बाण ले आओ। कुंती ने जवाब दियो कृष्ण आपको अच्छे से पता है कि अगर अर्जुन मेरा बेटा है तो कर्ण भी मेरा बेटा है, ये आप और मैं ही अभी जानते हैं, हम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता कि कर्ण मेरा बेटा है। बोले मैं क्या बताऊं, अब काम पड़ा है तो चली जाओ। बोले नहीं जा सकती। जैसे तैसे भगवान ने बुआ को मनाया। जब बुआ रात्रि से मना मना के भगवान 4 बजे बुआ चली, सुकर्ण के नेत्र खुले, मैया के चरण स्पर्श किए। मां कृष्ण की बुआ और अर्जुन की मैया आज हमारे दरवाजे पे का बात है, हमें जल लग रही कि तू बिना मतलब के ना ही आई है, का कारण है मां बोल। अब बुजुर्गो जवाब दिया कि कारण कोई नहीं है, बस मन किया तो मैं आ गई, क्या कारण हो सकता है भला लाला, एक मां अपने बच्चे के पास किसी कारण से आएगी। कर्ण बोले तू मेरी मैया ना है, तू अर्जुन की मैया है। सो मैया हाथ पकड़ के बोली लाला कर्ण तो को का लगे कि मैं तेरी मां नहीं हूं, तो सुन ले बच्चा, अब मैं तुझे बताई देती हूं कि मैं कौन हूं। कौन? एक कुंत भोज की सुता कर्ण लगत बबुला को अति प्यारी। मैंने करी तपस्या बालापन में युवती ऋषि आए सूर्य देव भये प्रगट मंत्र जब वेताय जवाए।
अरे लला मेरे गजब बहुवारी, बेटा 9 महीना के बाद पूत तू जन्मो लाला कुआरे पे पैदा किया और तू मेरा ही पहला बेटा है, बड़ा बेटा। कर्ण को ऐसा लगा जैसे महाराज जमीन फट जाए और मैं समा जाऊं। कर्ण पहले तो टकटकी लगाए कि मैया को चेहरा देख रहे, माँ मजाक कर रही है। अरे काऊ मतलब सु आई तो बता दे, लेकिन ऐसी मजाक मत करे। नहीं बोले, मजाक नहीं कर रही लाला, मैं अर्जुन की और तेरी सौगंध खाती हूं, तू मेरा ही बेटा है। मैंने लोक लाज की वजह से नदी में बहा दिया और आज तुझे कौरवों ने उठा के पाल लिया। कर्ण बोले, मैया तूने तो गजब कर दियो, मैं अब तुझसे वादा करता हूं कि अगर मैं तेरा बेटा हूं मां तो सुन ले मैया, अगर तूने मुझे कुआरे पे पैदा किया, जो तूने इतना दर्द सा इतनी तकलीफ झेली मेरे लिए, तो मैं वादा करता हूं कि अगर तू इसलिए आई हो कि मैं कल के युद्ध में अर्जुन को छोड़ दूंगा, तो ये कदापि नहीं हो सकता। मैं वादा कर रहा हूं कि मेरे हाथों पार्थ के सिवा पांडव न पराजय पाएंगे और तेरे कुमार फिर भी मैया 5 के 5 कहलाएंगे। अगर अर्जुन मर गए तो कर्ण जीवित है, तेरे 5 के 5 हैं। अगर कर्ण मर गए तो अर्जुन जीवित है तेरे 5। ये जो कुंती है ना, इनका असली नाम कुंती नहीं है, इनका असली नाम है प्रथा। जो बटेश्वर के शूरसेन की बिटिया थी और सूरसेन के मित्र एमपी में, मध्य प्रदेश में मुरैना पड़ता है, वहां के राजा थे कुंत भोज, उनकी कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने प्रथा को गोद ले लिया। अब राजा का नाम था कुंत भोज, तो बिटिया को नाम पड़ गयो कुंती। बोले कि आपने पिता का आशीर्वाद प्रेम लाड प्राप्त नहीं हुआ, अब जब आप शादी के योग्य हुई तो ऐसे व्यक्ति से शादी हुई जिसे श्राप लगा था कि औरत के पास जाओगे तो मृत्यु हो जाएगी, राजा पांडु से। वो तो भला हो दुर्वासा ऋषि का जो मंत्र दिए, इससे 5 पुत्र हो गए। और सुनो बुआ, दुख मांग रही हो तो मैं आपको बता दूं कि बचपन में जब भीम छोटे थे तो भीम को कौरवों ने जहर के लड्डू दे दिए, भलाओ मेरा जो बचा लिया, और आज फिर आप दुख मांग रही हो। कुंती बोली, अब आप ही तो गिना रहे हो कि कब कब कष्ट हुआ हम पे और कब कब आप आए और हमको धोखे से उस सुख मांग लेते तो तुम्हारो रथ द्वारिका में ही दिखाई दे। तो कृष्ण, हमें ऐसा सुख दुख या सुख नहीं चाहिए जिसमें आप नहीं हैं, ऐसा दुख ही बहुत है जिसमें 24 घंटे आप मेरे साथ हैं। क्योंकि एक जो सच्चा भक्त होता है वो कहता है कि मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी तो मैं रो रो के तुझको हंसाता रहूं। यहां वरदान दिए हैं 5 पांडव। कृष्ण द्रौपदी पितामह भीष्म के पास पहुंचे जो सरसैया पर लेटे थे, पितामह भीष्म के चरण स्पर्श किए। पितामह भीष्म में और धर्मराज में बातें होने लगी तो सत्संग शुरू हुआ। जो सत्संगी व्यक्ति होता है वो एक पल नहीं रह सकता सत्संग के बिना, क्योंकि 4 मिले 64 खिले 20 र...